खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आस्था कौशिक। मानसून पर हमारे खास शो मेघदूत आया में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बारिश के बदले पैटर्न से कहां बाढ़ जैसे हालात हैं और कहां अब भी सूखे से राहत नहीं मिली है। तो चलिए बताते हैं ये जो मानसून का पैटर्न बदला है उसके बाद जो बाढ़ें आई हैं वहां पर कैसे हालात हैं। मानसून अभी पंजाब, जम्मू कश्मीर और राजस्थान में है, पाकिस्तान में भी मानसून इस वक्त बरस रहा है और स्थिति ऐसी है कि ये तमाम राज्य और साथ ही पड़ोसी पाकिस्तान में भी कई जगह बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पूरे देश में बारिश हो तो रही है तो आखिर दिल्ली को किसकी नजर लग गई है। हकीकत यही है कि मानसून पूरे देश में बरस रहा है लेकिन राजधानी दिल्ली अब भी तरस रही है। दिल्ली में मानसून की बारिश में भारी कमी देखने को मिली है। देश की राजधानी में अब तक सामान्य से 46% कम बारिश हुई है। दिल्ली में वैसे तो मानसून 6 जुलाई को पहुंचेगा लेकिन बारिश ना होने से तापमान करीब 40 डिग्री तक पहुंच गया है। 2-3 दिन में दिल्ली में उमस और गर्मी देखने को मिलेगी। 15 जुलाई से हल्की बूंदाबांदी शुरू होने का अनुमान है, तब तक कुछ राहत मिल सकती है। तो मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया है उसके मुताबिक राजधानी दिल्ली को अभी कुछ दिन करना होगा और इंतजार। अब दिल्ली में तो बारिश हो नहीं रही लेकिन पड़ोस के मुरादाबाद में बारिश कहर ढा रही है। बारिश के चलते मुरादाबाद के गांव के स्कूल के हालात इतने खराब हो गए हैं कि पानी जूनियर स्कूल में घुस चुका है, स्कूल तालाब में तब्दील हो गया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। स्कूल के कमरों में पानी भरा हुआ है, लोगों ने स्कूल की दीवारें तोड़कर उसे कचरा घर बना रखा है। स्कूल की छत और दीवारें गल रही है। पूरे गांव का कचरा स्कूल के कमरों में भरा है, कमरों के बाहर पढ़ने को मजबूर है बच्चे। मुरादाबाद के गांव के इस छोटे से स्कूल के हालातों का जिम्मेदार मानसून को कहा जाए या प्रशासन को, स्कूल में ऐसे पानी भरा है मानो तालाब, हर तरफ गंदा पानी है, क्लास में कचरा भर गया है मानो स्कूल नहीं कूड़ादान हो। स्कूल के इतने बुरे हालातों में भी बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो इसलिए टीचर बाहर बैठकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जर्जर हो चुका है, इसमें गंदा पूरे गांव का पानी आता है नालों का। अब कई बार हमने इसकी कंप्लेंट अपने लिखित DRC में दी है और कई जगह यहां पर SDM साहब भी आ चुके हैं, एक दो बार BDO साहब भी आ चुके हैं लेकिन आज तक इसमें हुआ कुछ नहीं है। कि सर हमारा जो स्कूल है जूनियर वो पूरी तरह से डूब चुका है, इसमें पानी आ गया, इसलिए सर ने हमें ये कमरा दिया है इसलिए, और कभी कभी ये कमरा फुल हो जाता है बच्चे से इसलिए मैम बाहर बैठाते हैं। स्कूल के शिक्षकों का कहना है कि उन्होंने इसकी शिकायत कई बार उच्च अधिकारियों से की लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। स्कूल में पानी भर जाने के कारण टीचर खुले मैदान में बच्चों को पढ़ाने को मजबूर हैं। बारिश ने स्कूल की दीवारों और छतों को भी इतना कमजोर कर दिया है कि ये कभी भी ढह सकती हैं। अब सवाल यह है कि जब हर साल बारिश में स्कूल के हालात इतने खराब हो जाते हैं तो प्रशासन उसके लिए कोई तैयारी क्यों नहीं करता? क्या हर साल बच्चों को गंदगी और बदबू में बैठकर पढ़ाई करनी होगी? गांव का जो डैर का पानी है वो पूरा भर जाता है हर साल, जिसकी वजह से ये हमारे यहाँ पे शिफ्ट है, अब तो लगभग 3 साल से ये हमारे यहाँ है, जिसकी वजह से हमें भी बहुत दिक्कत हो रही है। अब हमें एक कमरे में 2-2 कक्षाएं लगानी पड़ रही है, हमारे पहली दूसरी के लिए कमरा नहीं है, 5वीं कक्षा हमें बरामदे में लगानी पड़ रही है, बच्चों को ब्लैक बोर्ड और बैठने की बहुत दिक्कत।